I'm saying is right, okay? प्रिडिक्शन कर रहा है ओके स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू जिसका एक आर्ट आता है उसने कुछ नया काम करा है नए काम की शुरुआत हुई है इट कैन बी समथिंग रिलेशनशिप रिलेटेड इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू मनी ऑल्सो वर्क बेसिकली इट्स वर्क रिलेटेड ओके एंड वो सामने देख रहा है अब वो सामने देख रहा है सीधा खड़ा है हिज लेग्स आर फर्म ऑन ग्राउंड फर्स्ट वाले में हिज लेग्स आर नॉट फर्म ऑन ग्राउंड तो फर्म ऑन ग्राउंड मीन्स ही इज टोटली स्टेबल मतलब मॉनिटरी ऑल्सो ही इज स्टेबल उसके पास इनफ है अपने सर्वाइवल के लिए ठीक है वो कोई लंबी बातें नहीं कर रहा एंड सामने की तरफ देख रहा है दैट मीन्स ही इज कॉन्फिडेंट उसको पता है उसको क्या करना है ठीक है ऊपर इन्फिनिटी का साइन है नेवर एंडिंग रूप कुछ ऐसा आप काम करोगे या कुछ ऐसा करो जो कि कभी खत्म नहीं होगा बिकॉज इन्फिनिटी हैज नो एंड पॉइंट एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे है टेकिंग यूनिवर्सल एनर्जी एंड कनेक्टिंग विद मदर अर्थ अब यूनिवर्सल एनर्जी बहुत तो कहते हैं कि थर्ड आई पे कंसंट्रेट करो तो यू आर गेटिंग यूनिवर्सल एनर्जी बट यू आर नॉट गेटिंग मदर अर्थ एनर्जी मदर अर्थ गिव्स यू लग्जरीज ग्रोथ गुड रिलेशनशिप्स गुड हेल्थ वो भी तो जरूरी है ना लाइफ में बैलेंस बना के चलना चाहिए है ना तो ये बैलेंस बना के चल रहा है एक हाथ में वॉन्ड है मतलब सब कुछ होते हुए भी स्टिल ही इज फायरी इज रेडी टू डू वर्क मैम आपने मेश बॉक्स उल्टा रखा हुआ है वाइट ड्रेस पहनी है एंड विद रेड दैट मीन्स प्योर बट रेडी टू डू समथिंग मोर बहुत सारे फ्लावर्स है ऊपर भी नीचे भी लीव्स हैं दैट शोज ग्रोथ यूनिवर्स से भी ब्लेसिंग्स मिल रही है मदर अर्थ से भी ब्लेसिंग्स मिल रही है टेबल के ऊपर चारों एलिमेंट्स रखे हैं अर्थ वाटर फायर एयर जो पेंटिकल्स हैं वो शो कर रहे हैं अर्थ एलिमेंट को कब शो करते हैं इमोशंस को वॉन्ड शो करती हैं फायर को और स्वॉर्ड शो करता है एयर माइंड तो सब कुछ इनके फेवर में है सब कुछ इनके पास है ही इज अ मैजिशियन जादूगर ही कैन डू एनीथिंग जो ये चाहे इस टाइम पे ही इज हैविंग दैट एनर्जी कि जो ये चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते ठीक है अब कार्ड क्या आ रहा है उसके साथ कैसे रिलेट करना है वो आप पूरा कोर्स में सीखते हैं नंबर टू कार्ड द हाई प्रीस्टेस इस कार्ड को देखिए और बताइए मुझे What you can feel, what you can sense, the energy. Balance between black and white. The one pillar is black and white. Yeah. The crescent moon, another feeling. What that shows? The emotions are under control. Good. Number two is a sign of moon also. ठीक है moon emotions also, meditation also. Through meditation you can balance your emotions. तो emotions का भी card है ये. And balancing of negative energies and positive energy. She is sitting like a priestess, right? Like a very knowledgeable lady. And face में भी बहुत confidence है इनके. And देखेंगे तो pure dress, white dress पहनी है ऊपर. एंड ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है दैट मीन्स दूसरों के इमोशंस को भी समझने वाली एक हाथ में बुक है टैरो की दैट मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल गाइडेंस की आपको जरूरत है बहुत सारे मून है दैट शोज इमोशंस एंड ग्रोथ ऑल्सो एंड उसके पीछे मल्टीपल ग्रोथ पोमेग्रेनेट मल्टीपल ग्रोथ तो जो भी आप काम कर रहे हो पूरे गाइडेंस के साथ किसी से काउंसिल करके कंसल्ट करके करिए एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड
Next card, sir. So what, people pick this card and then you get? No, I pick, yes, people pick and then we relate. I'll show you how to do readings also. Okay. This is number 3. I will start to dekhenge. Bataiye mujhe kya feel ho raha hai, kya sense ho rahi hai energy. Number 3 card, the Empress. आप दोनों आगे आ जाइए, आप दोनों रीडिंग करना चाहते हैं। आप चेयर आगे बताओ। Some kind of conflict is going on in your mind right now. Little bit. Something related to emotions. Emotionally you're feeling some kind of distraction, disturbance. Sometimes yes. Mm-hmm. But when I do my meditations and all, then I make myself motivate. So that is why I went to into this world. Yeah. So whatever is happening, you just need to clear your mind and concentrate on yourself. हाँ वो क्योंकि कभी हुआ नहीं, लेकिन आई वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल माय यू विल गेट रिड ऑफ ऑल योर इमोशंस एंड ऑल द पेन्स एंड दिस इज योर चेंजिंग फेज जब होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी होती है और आपको लगता है कि आप पता नहीं कैसे होगा, कैसे हील होंगे ये सब चीज़ें, बट हीलिंग्स एंड मेडिटेशन इज ऑनली द सॉल्यूशन एंड आपको खुद अपने ऊपर काम करना है और आपने खुद इंडिपेंडेंट होना है। मुझे लगा कि शायद समथिंग हैज ओपन्ड फॉर मी नाउ, सो दिस इज योर जर्नी, दिस इज योर जर्नी, सो जो भी है उसको साइड में रखे एंड विद इन मैक्सिमम विद इन 2 to 3 months ये आपकी चीजें सॉल्व होने लग जाएंगी, इमीडिएट 2-3 months, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड टेक अ डिसीजन
कि आपको करना है एंड यू विल बी लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स मींस यू वांट लॉट ऑफ मनी एंड यू विल गेट लॉट ऑफ मनी बट लेकिन विद योर एफर्ट मुझे इन्होंने जब डॉक्टर साहब बता रहे थे तो आई थॉट कि लेट मी मीट यू इन सम टाइम फॉर डू ऑल दिस थिंग्स यस वी विल टेल यू आफ्टर दैट डेफिनेटली यस ओके दैट्स इट आप आ चुके हैं तो फुल नेम समायरा मेहंदी समायरा मेहंदी एज 20 planning to do something what do you do like right now I'm in graduation BCA third year if for higher studies I'm thinking to go outside okay go outside and study your cards are very positive and you will get very good results jo bhi aap karoge usme and whatever you are pursuing it's your wish jo bhi aap kar rahe ho to usse apne wins se jo aap karoge इट विल बी वेरी गुड रिजल्ट एंड आगे भी अगर आप जॉब या बिजनेस जो भी आप करना चाहते हो तो विल बी वेरी गुड रिजल्ट एवरीथिंग इज इन योर फेवर वेरी गुड कार्ड्स व्हाट्स योर नेम कादंबरी फुल नेम कादंबरी गर्ल एज 10 आप जो भी कर रहे हो अभी उसको करते रहो जैसे कर रहे हो ठीक है और किसी भी चीज़ में ना इमोशनल नहीं होना आपको ज़्यादा ठीक है ज़्यादा सोचना नहीं माइंड नहीं लगाना बस जो कर रहे हो उसको करते रहो बहुत आगे जाओगे आप